नमस्कार, मेरा नाम करण विश्वकर्मा है और मैं आटू बीटे कंसल्टेंट का फर्म का ओनर हूँ एक्चुअल, और मैं डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन दोनों करता हूँ। और अभी आपके सामने एक मेरा डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन जो करवा है वो आपको अभी दिखाने वाला हूँ कि मैं किस तरह का वर्क करता हूँ, किस तरह की डिज़ाइन करता हूँ। तो अभी मैं आपको पूरा ही इस मकान का जो आप देख रहे हैं अंदर की तरफ से, इस मकान का पूरा वीडियो अभी आपके सामने मैं दिखाऊँगा। और आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल पर। थैंक यू। हाँ से पता लगता है क्या है बाहर से, और यहाँ से एकदम।
जैसा कि आप ये हॉल देख रहे हैं, ये 11x16 का हॉल है और लिविंग कम डाइनिंग एरिया है वैसे बेसिकली। और आप देख रहे हैं जैसे ये इधर की तरफ विंडो दी गई है, यहाँ पर विंडो है जो है 3-track विंडो दी है। इसके अंदर जैसे जाली बच्चा जाली वाला है और दो ग्लास वाला है, ये 3-track विंडो है। और आप आगे देखेंगे तो इधर की तरफ अपने एक मंदिर दिया है, ये मंदिर आप रोक सकते हैं, या मंदिर देख सकते हैं। और मंदिर के एग्जॉस्ट के लिए अपन ने ये वेंटिलेशन दिया है। ऊपर मकड़ी आ गई, चलो मत दो, इतना बड़ा मकाना मकड़ी आ गई। अरे छोटो लोग कर लो ना, ये बड़ा है, बड़ा है। नहीं बस नहीं आना, इधर की तरफ वार्डरोब दी गई है बेसिकली इस चीजों के लिए। नीचे गिर, हाँ ये पड़ गया तो ना। नहीं नहीं, ये किचन है। ठीक है, साइज इसको बता ना, किचन में बता दो, इधर मेरे पास रही होगी। 12 feet 7 inches का किचन है अपना ये, और इसी के साथ में अपन ने एक स्टोर रूम दिया है जो आप देख सकते हैं। स्टोर रूम इसके लाइट ये 6x4 का अपना स्टोर रूम था एक्चुअली। और आपको आगे का डाइनिंग एरिया दिखाता हूँ, ये आपको डाइनिंग एरिया था बेसिकली, बट अभी क्लाइंट ने इनको लिविंग रूम टाइप कर दिया बैठक के हिसाब से। इधर भी पीछे की तरफ भी विंडो दी गई है। इसकी साइज
12 फीट बाय 9 फीट का ये डाइनिंग एरिया है। आइए आपको रूम दिखाता हूँ मैं। बारह बाई ग्यारह का ये रूम है और इसी के साथ में अटैच लेट बाथ है और ड्रेसिंग है। आपको ड्रेसिंग और लेट बाथ दिखाते हैं। अंदर चले टाइल वाइल का अच्छा सामना चाहिए, एग्जॉस्ट करना चाहिए। तेरह बाई चौदह 13 फीट बाय 4 फीट का ओटीएस है, ओपन टू स्टार जो है जो सर। ये 3.5 फीट की पेसेज है। आइए आपको सेकंड रूम दिखाता हूँ मैं। ये 12 बाई 11.5 का बेडरूम है। 12 बाई 11 ये ड्रेसिंग है। हमें कपड़ा अपने नहीं दिखाना, सिर्फ ड्रेसिंग ही दिखानी है। इतना डीपली मत कर। मैं डीपली करता हूँ हर अंदर पूरा हो एकदम। अंदर चला जाता है कि तो बहुत मिसिंग। चलो तो रहा है ना रिकॉर्डेड हो गई। चलिए वहाँ चलिए, वहाँ से पूरा व्यू देखते हैं। ये गेस्ट रूम है, ये 9x9 का गेस्ट रूम है। इधर भी विंडो दी गई है। हर रूम में वेंटिलेशन प्रॉपर दिया गया है। ये पोर्च है बेसिकली, और यहाँ की सेकेंड एंट्री इधर की तरफ है। उधर से भी आ सकता है, उधर मार। ये हाउस की सेकेंड एंट्री है। ये पोर्च है और यहाँ पे स्टेयर्स दी गई है। और इस पोर्च के अंदर एक कॉमन टॉयलेट दिया गया है। इस पूरे मकान के अंदर एक कॉमन टॉयलेट है जो
आपको टेरेस दिखाता हूँ मैं, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको टेरेस दिखाता हूँ, आइए। हाँ अंकल जी के पास नहीं होगा तो मेरे पास ही है मेरा। हाँ तो उठा ना, तो इसको ऊपर ऊपर से दिखाने से नीचे मत दिखाने, वो ये पहले ये वाली ले लेता ना, फिर बोल भी देता था। इधर से था सामने तो सही है, इधर से नमस्कार, मेरा नाम करण विश्वकर्मा है और मैंने अभी आपके सामने जो वीडियो दिखाया है पूरे मकान का हाउस कंस्ट्रक्शन का, तो वही उसी के फीडबैक के लिए मैं आपको मिलाता हूँ। मेरे क्लाइंट श्री चौहान सर, मुकेशजी चौहान सर है हमारे, इनका पूरा मैंने कंस्ट्रक्शन देखा है और डिज़ाइन मैंने किया है, तो अभी अगर आपके सामने इन सर से बात करेंगे मेरा मैंने जो किया है वो बेसिकली कैसा किया है, मैम से ही बात करते हैं और सर से ही बात करते हैं, पहले सर से पूछते हैं कि उनको मेरा वर्क कैसा लगा। जी सर, तो आप बताइए। मैं प्रगति नगर से मकान नंबर 24 मुकेश चौहान बोल रहा हूँ। करण जी शर्मा इनके द्वारा जो मकान का नक्शा इंजीनियरिंग लाइन से जो काम किया है वो काफ़ी अच्छा किया है और बहुत ही अच्छे डिजाइनर हैं और डिजाइन से उन्होंने काफ़ी अच्छा हमको गाइडलाइंस किया है। इस बात से हम जो सारी बात को समझ करके प्लानिंग से काम किया तो आज यहाँ तक सफलता हमको हासिल हुई और काफ़ी अच्छा उन्नति की ओर करण जी शर्मा उन्नति की ओर बढ़े और हमें यही अच्छी उन्नति लगे। सर एक और सवाल था मेरा कि जैसे कि मतलब अब बन तो चुका है सर मकान अपना और अपन रह भी रहे हैं, तो अब आपको कैसा फील लग रहा है कि मतलब डिज़ाइन भी हुआ है सब कुछ, तो आप कम्फर्ट हो मतलब डिज़ाइन से और हर एक चीज़ से? बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर से सुंदर कहा जाए तो बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें, जैसे कोई स्वर्ग से मंदिर घर जैसा मंदिर होता है जी, स्वर्ग से स्वर्ग घर जैसा एक मंदिर होता है, ऐसा ही हमको एक अच्छा फील हो रहा है और अच्छे से अच्छा काफ़ी लोगों ने इसको देखा उनको यही लगा कि हमें तो बहुत ही अच्छा खुल्लापन और बढ़िया सा डिजाइन और किस्सा बनवाया, हमने कहा भी हमारे मित्र हैं करण जी शर्मा उनके द्वारा बनाया तो हमें भी मिलवाइए और हम भी बनवाए तो कैसा लगेगा, क्योंकि आपको भी ऐसे ही लगेगा जैसे हमारा बना के दिया वैसे आपको बना के देंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। सर का कहने का बेसिकली था कि इनको कंफर्ट भी है आप इससे और डिज़ाइन वाइज भी अच्छा है, खूबसूरत भी है और अपन कंफर्ट भी है, दोनों तरह से सर सेटिस्फाइड है पूरी 100%। और मैम से पूछते हैं कि मैम का कैसा एक्सपीरियंस है इस मकान से, मैम से बताइए आप। जी मैम, तो आप बताइए कैसा आपको लग रहा है, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, सबसे बढ़िया मैंने करण भैया से बोला था कि मुझे मेरा किचन बहुत बड़ा चाहिए और खुला खुला चाहिए, तो मेरे को बड़ा किचन से बहुत आनंद मिल रहा है, मेरा स्टोर रूम भी मुझे अंदर ही चाहिए था, मुझे स्टोर रूम भी दिया है, तो मैं इसलिए सर से करण भैया से बोलती हूँ कि भाई मेरे को बहुत अच्छा किचन बना के दिया है और मेरे किचन के संबंधित बात करूँ क्योंकि मैं किचन में दिन भर रहती हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है किचन। जी थैंक यू सो मच। मैम का हर वैसे हाउस वाइफ का ये सपना होता है कि एक किचन अच्छा बड़ा हो उसके अंदर स्टोरेज हो, मैम ने मुझे बेसिकली बोला था कि मुझे एक किचन काफ़ी मतलब स्पेसेस चाहिए बड़ा सा, तो मैम आपने फीडबैक तो सुना ही है मैम का, मुझे किचन बहुत अच्छा लगा है, दोनों तरफ विंडो भी है, आराम से हवा हवा बढ़िया आती है, बनाने में मज़ा आता है, बच्चा नल वगैरह फिटिंग वगैरह लाइट की फिटिंग वगैरह सब भैया ने बहुत अच्छी की है और मुझे बहुत अच्छा लगा है, जो भी मेरे से कोई पूछता है तो भी हमने करण भैया से बनवाया है और बहुत अच्छा बनाएंगे। थैंक यू सो मच मैम। हाँ सर, तो मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है सर कि आप मुझे 1 से 10 तक की रेटिंग है तो आप मुझे कितने रेटिंग देना चाहेंगे सर मेरा वर्क को लेके, मतलब जैसा मैंने आपके साथ अपने जो बातचीत हुई है हर चीज़ से, मतलब डिज़ाइन को भी अपन उस चीज़ को देखेंगे और जो मैंने आपके साथ सेवाएँ दी है और मैं जैसे आपने बातचीत हुई है मेरा व्यवहार हर चीज़ से आप कितना सेटिस्फाइड है उसके 3-3 आप मतलब रेटिंग दे सकते हैं 1 से 10। मैम आप भी दीजिएगा और सर आप भी दीजिएगा, आपका एक अलग रखिएगा सर,
जो भी आप देना चाहे आपको ही मेरे लाइव मिलेगा, तो सर बताइए कितनी मिलेगा। अगला पॉइंट हमारा ये है कि करणजीत शर्मा को हमने कई बार फ़ोन किया, जितनी बार फ़ोन किया उतनी बार उपस्थित हुए, और उपस्थित होने पर भी हमने सोचा कि इस जगह क्या लगेगा, इस जगह क्या होगा, इस जगह कैसा लगेगा, तो इस जगह क्या डिज़ाइन देना है, ये सारी ने सर्विस के मामले में सर्विस बहुत ही अच्छी दी है, और सर्विस इतनी बेहतर दी है कि अब मैं इनको नंबर देऊँ तो कितना देऊँ ये समझ में नहीं आता है कि मेरा तो इच्छा है कि पूरे में से पूरा दिया जाए, 10 में से 10 पूरा। तो ये क्योंकि जब जब मैंने फ़ोन किया जब जब उपस्थित हुए, दूसरी बात यह है कि ठेकेदार और इंजीनियर के दोनों के बीच में जब भी कोई वार्तालाप होती है तो पहले ठेकेदार मेरे को फ़ोन करता था, फिर मैं इंजीनियर को करता था, इंजीनियर और ठेकेदार दोनों के बीच में बातचीत करवाता था, उसके बाद में जो प्लानिंग से होता था काम वो सारा बहुत ही अच्छा प्लानिंग से बना और डिजाइन से भी हुआ, और सारे कालम बीम जो भी माल मटेरियल छत में कैसे क्या लगना, सारे इंजीनियरिंग प्लानिंग से ठेकेदार द्वारा सूचना देना सूचित करना, उसी तरह से सारा काम किया और बहुत ही अच्छा किया। हम हमारी यही शुभकामनाएं इनके रहे कि आगे से आगे ये उन्नति हो और काफ़ी इनका भविष्य उज्ज्वल हो, ये उन्नति करें। थैंक यू सर। मैम से पूछते हैं सर, मैम यही क्वेश्चन आपके लिए भी है, तो आप मैम प्लीज़ बताइए क्या रेटिंग देना चाहेंगे आपको। मैंने तो जब भी फ़ोन करा है करण भैया, आज मेरे को किचन में ये बनवाना वो बनवाना, आप जल्दी से आ जाओ, करण भैया उसी टाइम में फ़ोन करके बोले ठेकेदार से बात करवाओ, तो ठेकेदार जी से बात होती थी, बोले कि जो आंटी कह रहे हैं वो बना दो, मैंने कहा कि भैया आपको आना पड़ेगा, आप देखो आज तो भैया तुरंत आते हैं सेक्शन देते हैं ठेकेदार जी को, फिर वो दोनों वार्तालाप होती है, फिर दोनों मिल के और मेरा किचन बहुत अच्छा बनाया है उन्होंने, फिर मैंने स्टोर रूम में भी बहुत सारी बातें बोली, उन्होंने बोला ऐसा नहीं इतनी टाइल्स लगानी है, सब ऐसा करना वैसा करना सारा करण भैया ने आके बताया, वैसे ही हुआ है, और जब जब हमारे ठेकेदार जी करण भैया को फ़ोन करते तब तब करण भैया आके उनको बताते थे, ठेकेदार जी को समझ में नहीं आते थे, करण भैया आके बताते थे वारदात पे कि आके कैसे क्या करना है, तो जल्दी से ठेकेदार जी को समझ आ जाती थी, फ़ोन पे नहीं खुद आके बता देते कि मैं वहीं आ रहा हूँ आप रुको, उस टाइम पे आके उनको बता देते और मेरा काम बहुत अच्छा हुआ है, और ठेकेदार जी ने भी मुझके काम किया है, ठेकेदार जी ने भी उनके मन से कुछ नहीं किया है, जो हमको इंजीनियर बोलेगा वही करेंगे, तो इंजीनियर के हिसाब से हमारा पूरा मकान प्लानिंग से बना है, और सबको बहुत अच्छा, परिवार को समाज को अड़ोस पड़ोस को सबको बहुत पसंद आया है। जैसे कि अभी सर और मैम का इंट्रोडक्शन लिया था अपन ने, तो अब चित्रांजु सर हैं, चित्रांजु चौहान सर, तो अब इनसे भी फीडबैक ले लेते हैं, एक्चुअल सर के छोटे बेटे हैं और इकलौते बेटे आई थी, हाँ तो सर से भी लेते हैं कि इनको कैसा वर्क लगा मेरा, क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा आपके साथ में, और सारी चीज़ें सर सब डिस्कस करते हैं, तो सर आप बताइए इनसे कि आपको कैसा क्या मतलब मेरे साथ जो आपने वर्क किया, हमने डिज़ाइन किया आपका, कैसा क्या काम रहा मेरा, आप कैसा सेटिस्फाइड है मेरे वर्क से, तो प्लीज़ सर शेयर कीजिए आपका फीडबैक, बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जैसा कि मैं तो आपसे फर्स्ट टाइम मिला था, मेरे परिचित के द्वारा किसी ने आपका रेफरेंस दिया था जी, उसके थ्रू मैं आपसे मिला था, तो मतलब फर्स्ट टाइम मैं आपसे मिला तो आपकी जो प्लानिंग वगैरह और मतलब जो बताने का तरीका था कि कितना क्या रहेगा कैसे क्या रहेगा इस टाइप से बनाने में ये ऐसा रहेगा, तो वो मुझे कुछ अच्छा लगा था, तो उससे मैंने आपको आया किया था कि हाँ भैया आप भी मेरे जो 1500 स्क्वायर फीट का जो अपना फ्लैट है उसके ऊपर आप डिज़ाइन वगैरह कीजिए, तो उस बेस पे आपने जो डिज़ाइन किया था वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, तो उसमें क्या है कि मतलब जिस हिसाब से जो सारी हमारी रिक्वायरमेंट थी वो सारी उसमें फुलफिल हो गई थी, जैसे कि सभी चीज़ें उसमें आ गई थी, लगभग हम लोगों ने बहुत सी बार उसको चेंजेस भी किया है, जैसा कि कुछ आपने चेंज किया है कुछ हमने चेंज किया है, ऐसे करके फाइनली हम लोगों ने ये एक स्ट्रक्चर तैयार किया है, और फाइनली जब हमारी बात आ गई थी कि हमको एलिवेशन चाहिए, तो एलिवेशन भी हमारे काफ़ी टाइम बाद चेंज हुए थे, तो एक जैसे कि अभी सर से इंट्रोडक्शन चल रहा था मेरा और बीच में मेरे डिवाइस का पावर ऑफ हो गया था, तो फिर से कंटिन्यू करते हैं इस चीज़ को, तो सर आप जो कहना चाह रहे थे प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए।
हाँ जैसा कि अपना डिस्कशन चल रहा था कि फाइनली एलिवेशन हो गया था, बट उसमें अपने कुछ चेंजेस हुए थे, तो जब आपने ये एलिवेशन जब फाइनल किया तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी कि इसमें मतलब कुछ ऐसा आगे वाले फ्यूचर के साथ अगर कभी हम लोग डबल स्टोरी बनाते हैं तो उसमें कुछ ऐसा तोड़ फोड़ नहीं होगा, मतलब इसी बेस पे हम वापस से हमारा डबल स्टोरी खड़ा कर सकते हैं। और फाइनली अगर बात की जाए तो एलिवेशन और ये तो कोई भी बना लेता है, बट इसके अंदर एक जो स्ट्रोंगनेस चीज होती है उसका आपने खासा अच्छे से ख्याल रखा है कि कितने एमएम के सलिए लगाना है, कोलम में कितने सलिए होना, दिन में कितने सलिए होना, अपनी बीम की साइज, कोलम की साइज वगैरह आपने काफ़ी अच्छे से इसको मैनेज किया है। और हमें आगे ये भी बताया है आपने कि आप जब तक अपना बेस मजबूत नहीं होगा तो अपन इसको ऊपर कैसे ले जाएंगे, बेस अगर मजबूत है तो ऊपर आप जैसा भी रहेंगे वैसा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आपका जो भी फाइनली आपका जो फीडबैक वगैरह रहा, हमारा रिस्पॉन्स जो रहा, आपने जो भी हम लोगों को टाइम टाइम पे गाइड किया वो मुझे अच्छा लगा। जैसे कि आपने कभी कुछ दिक्कत आती कि हमारे ठेकेदार जी को, तो आपने समय समय पर आकर उनको गाइड किया कि नहीं भैया ये नहीं, ऐसा ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। सलिए वगैरह में भी आपको अच्छे आपने बढ़िया बताया था कि सलिए वगैरह में इस टाइप से ऐसे नहीं, ऐसे बिछाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। और काफ़ी तरीके आपके साथ जो हमारा टाइम स्पेंड हुआ मुझे बहुत अच्छा लगा कि कैसे क्या है। आधा ऐसा लगता है कि मैं इंजीनियरिंग कर ली आपके साथ रहते रहते ये मकान बनाते बनाते, और अच्छा लगा ये एलिवेशन। काफ़ी लोग आए थे घर के इनोग्रेशन में भी, तो उन लोगों ने भी इसकी एलिवेशन की काफ़ी तारीफ करी है जी। और इस छोटे से मतलब 1500 स्क्वायर फीट में आपने काफ़ी अद्भुत चीज़ें इसमें दी है, जैसे कि मंदिर हो गया, मंदिर एक हॉल के अंदर अलग से आपने छोटा सा कोना बाहर निकाला तो उसके अंदर मंदिर दिया, और किचन में एक स्टोर रूम टाइप दे दिया आपने, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, नाल अच्छी की आपने, और रूम्स वगैरह आपने जो अपने रूम्स के अंदर अटैच हमारे को लेट बार और उसके साथ में ड्रेसिंग दिया वो एक अलग ही लुक था कि मतलब इतने कम स्पेस में। और OTS सबसे बढ़िया चीज़ मुझे वो लगी है OTS जिसमें कि अगर किसी के बीच का घर भी हो तो भी अपने वो उजास वगैरह मतलब रोशनी वगैरह में कोई ज़्यादा परेशानी पूरी वेंटिलेटेड है, और चारों तरफ घर की चारों तरफ खिड़कियाँ हैं जिसमें कहीं से नहीं अपने को कोई दिक्कत नहीं है, और भी बाकी तो अच्छा है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉम्प्लीमेंट सर, जैसे बता ही देते रेटिंग। हाँ तो एक्चुअल पहले मैंने इस बात को सर से और डिस्कस करना चाहता था कि सर ने जैसे कहा कि मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने सर के इसमें भी, और मैं हर मेरी साइट पे फाउंडेशन वर्क जो होता है, जो बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है नीम, अपन नीम कहते हैं, तो उसको काफ़ी मतलब बहुत लाइटली ले लेते हैं बहुत सारे लोग कि नहीं अपन तो कम एमएम का यूज़ कर लेते हैं या फिर बेसिकली कुछ भी डाल लेते हैं। तो जब तक अपना जो नीचे का स्ट्रक्चर है अगर वही मजबूत नहीं होगा तो फिर आप उसके ऊपर कैसे मतलब नए फ्लोर का मतलब निर्माण करेंगे। तो वही है कि अपन को हमेशा ये रखना चाहिए कि अच्छा सा मतलब जो इंजीनियर हायर करें, आप कहीं भी हो आप तो एक इंजीनियर को हायर करें जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन भी करें उसको, क्योंकि बहुत सारे कॉन्ट्रेक्टर और इंजीनियर भी होते हैं जो मतलब सिर्फ एक प्लानिंग देते हैं, तो अब आप प्लानिंग के साथ में स्ट्रक्चर डिज़ाइन भी करवाएं ताकि आपको भी पता लगे कि आपका जो स्ट्रक्चर एक्चुअल उसमें लोड कितना आ रहा है, लोड का और सोइल कैपेसिटी क्या है आपकी, तो सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए, क्योंकि मकान एक बार बनता है, बार बार नहीं बनता। क्या आप मतलब चाहेंगे 2-5 साल बाद फिर अपन इसको डिसमेंटल नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी लॉन्ग लाइफ रहती है मकान की। तो यही था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, सर से वो डिस्कस करते हैं इस बारे में। सर जैसे मैं आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हर एक चीज़ को, तो सर आप मेरे को एक रेटिंग देना चाहिए मतलब दीजिए, ताकि 1 से 10 तक की रेटिंग है सर, तो आप मुझे कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? जैसा कि आपने रेटिंग मांगी है, तो रेटिंग में अगर देखा जाए तो आपने जो नक्शा बनाया है वो भी काफ़ी अच्छा है, आपने जो भी इसके अंदर रखने की कहा मजबूती रखने के लिए जो भी चीज़ें बताई है वो बहुत अच्छी है। बाकी आप जो बता रहे हैं 10 में 10 रेटिंग का, तो उसमें 10 में से 9 रेटिंग में आपको देना चाहूँगा और 1 रेटिंग ठेकेदार को देना चाहूँगा, ताकि उसने आपके कहने पे आपकी इच्छा के अनुसार उसने जो आपकी डिजाइन के ऊपर चला है वो ये आज आके इतना बढ़िया घर तैयार हो गया है, तो 1 रेटिंग उसके नाम नहीं। आप सर 10 रेटिंग उनको भी दे सकते हैं, एक्चुअल वो कॉन्ट्रेक्टर का वर्क अलग होता है और इंजीनियर का एक अलग होता है, तो अभी बेसिकली रेटिंग मेरे ऊपर हो रही है। हाँ आप उनको सर 10 में से 10 उनको भी दे सकते हैं, क्योंकि सर वो भी वर्क करते हैं। देखा जाए तो 10 में से 10 आपको रेटिंग जी। थैंक यू सो मच सर।
थैंक यू।